लगी हस्ते पी लोग सीता कह बुलाए खत्री ब्राह्मण पिटते छोड़े हर नाम दियो लिया मुख लाए जितने भगत हर सेवका मुखसा तीर्थ तिन तिल पढ़ाए नानक तिन को अंदिन परसिए कृपा करे हर आए कृपा हो गई तसर अगे अगले पन्ने ते उन्होंने इन लिखा इनकी सेवा तिहार पाई है सिर निंदक कह पवे इशारा क्योंकि भगत सतगुरु तुरों खजाना लेके आए सुख तुर भगत जना को बख्शे हर अमृत भंडारा मूर्ख हो से उनकी रिस करे किस हलत पलत मोह कारा से भक्त से सेवका जिन हर नाम प्यारा इनकी सेवा तिहार पाई है सिर निंदक कह पवे इशारा तुसी समझदार हो तुसी समझ सकते हो बाणी की कहंदे ने सतगुरु किवें समझांदे ने महला जी पहला जी जैसे जल में कमल नरालम मुगराणी ने सहने सुरत सब भव सागर तरिए नानक नाम लै खाने रहे इंकांत एक मन वस्या आसा मैं नरासो अगम अगोचर देख दिखाए नानक पाका दासो सिद्ध गोष्ठ जिमें शुरू होंगी है शुरुआत है उसने समझना दास किसके बनते ने साहिब सतगुरु दास जी ओदे जिन्होंने अगम अगोचर हाथ तो भी नेड़े कर दिखाया इन्हें सर्वे एक अनेक है स्वामी सब घट को अंगदा सोई कह रविदास हाथ के नेड़े सहजी हो सो हुई हाथ तो भी नेड़े दिखाने वाले अगम अगोचर जिमें तुसी कते बच्चे नू दुकान ते भेजो कि जा लड्डू लैके आ ते उस नू हलवाई देगा लड्डू का पता लगेगा लड्डू की शक्ल कहो जी है की चीज है पता नहीं लगेगा मां दसेगी पिता दसेगा लड्डू कहो जाना पता चलेगा इन्हें तक सतगुरु दसदा है नानक की सोची करवाने आप सह नीच कर होए आप देख निवे जिस तोए आप होए ता मुग्ध सियाणा भगत महुणा जग बोराणा सब में वर्ते एको सोए जिसनो कृपा करे तिस प्रगट हो प्रगट होंगे ने सतगुरु सत सतगुरु रास जीओ संत जना की संगत विच प्रेम जुड़ के परमात्मा का नाम सिमरो महला पहला जी परमात्मा गुरु का वचन आदर पाता है संत जना की संगत ही कबूल पैंदी है नानक अरदास कर रहे हरि मैनू उन्होंने संत जना की चरण धूड़ दे जिन्हों की अगे हने आने वाले है उन्होंने ना धूड़ प्राप्त करते ने महला पहला जी इओ उन्होंने बारे व्याख्यान करते हैं निर्मल पुरख अपरांपर पूरे जग में गुरु गोबिंद हर है हर सिमरो गुरु वचन सुनारो संगत हर जन भाव करे हर जन गुरु प्रधान द्वारे नानक सिं जन की रैन हरे किवें मन दीजे सिर सौंपिए जी करते की टेक धंधा धावत रह गए मन में शब्द आनंद गुरजन से साजन पाए भेटे गुरु गोबिंद असि कहने गुरु गोबिंद भेटा चाड़ी आ कर मन मन फिरती पौती बस रही कर बार सतगुरु मेली मिल रही जन्म मरण दुख निवार जिवें अंक 1192 ते समाउंदे हन 95 विच नानक जी ए मन देख बिद लगा सेव कबीर ते आयो एक रंग नाम देव जीओ वसे हर संग उदास ते आए प्रभु अनूप गुरु नानक देव गोविंद रूप गुरु नानक देव का पूरा नाम आयश करके ते गुरु गोविंद लिखण विच ए इस तरह आया गुरु गोविंद जिन्हां नूं नानक जी महारे पहले विच कहिंदे उन्हां दे बारे गया है गुरु नानक जी दे देव जी दे गुरु गुरु रविदास जी इसलिए इस समझने वास्ते बहुत समा चाहिदा भगती तो बिना जगत माया पिछे चला हो रहा जीव संसार विच जन्म लैके भगती दी थां माया दी खातर खुआर हुंदा है माया दी तृष्णा नूं मिटाण योग नहीं हुंदा ते आत्मक मौत दा राह फड़ लैंदा है पशु जग ते कदया गुरु ग्रंथ साहिब जी नूं नहीं समझ रहे बस झगड़े मुल लैंदे ने लड़ाइयां करदे ने जग का चल पा देखो कि जो बहुत ही माया किसी चंद्रे मनुख के घर बच्चे हो गए तभी उसकी माया ने वेख के गरीब अमीर दमें उस चंद्रे अगे लिख रहे हैं जो माया पले हो गए तो मूर्ख बंदा भी सियाणा समझा जाता है
अज सारे मूर्ख सियाने समझे जाते इन्हों को माया बहुत पिया गई। तो साहब सतगुरु विदास जी माया रहत जगत पशु विच प्रगट हुए इयो उपदेश करते हैं किवे साग बिलावल वाणी प्रदास भगत योगी एक ओंकार सतगुरु प्रसाद जे कुल साध वैष्णो होए वर्ण अवर्ण रंक नहीं ईश्वर विमल वास जानिए जग सोए एक रहाओ ब्राह्मण वैश्य शूद और खत्री दोम किंदार मिलेश मन सोए होए पुनीत भगवंत भजन ते आप तार तारे कुल दोए तन सो गाओ तन सो ठाओ तन पुनीत तम सब लोए जिन पिया सा रस तजे अनरस हुए रस मगन घरे खोए पांडित शूर शत्रपत राजा भगत बराबर और ना कोई जैसे पुराण पात रह जाओ समी पंडरदास जन्मे जगत। इस शब्द की व्याख्या तुम बहुत बार सुनी होगी पढ़ी होगी सतगुरु तो आगे लैके इसकी अलग अलग ढंग व्याख्या करते हैं इसकी होर एलैबोरेट करते हैं सतगुरु के हुक्म अनुसार। हाँ जिम्मे नानक जी कहते हैं फरमाते हैं नानक भगत सदा विकास में दुख पाप करना फरमन करना दुख जाते हैं सुख आनंद प्यार प्रवेश कर रहा है। सार सत्य सार सच्चे सतगुरु राजो अनमोल बंडमोला पेश दे रहे हैं कि भागाशा लिखे ओ पिंड ओ ग्राम ओ थान स्थान ओ शहर ओ पवित्र पुनीत कुटुंब कबीला भागा वाले कुल जिस विच कोई बडभागी प्रभु पाशक साधु भगत संत सतगुरु जन्म तारदा है प्रगट हुंदा है। फिर उसकी कुल का जिक्र तक भी कोई नहीं बदला लिया चाहे वह दोम जाता होवे वैश्य होवे शूद्र होवे खत्री होवे या फिर ब्राह्मण होवे हमें क्यों न चंगाली भी होवे जिहड़ा ब्राह्मण ने बनाए कर्म धर्म नू अलविदा कहिंदा है अमीर गरीब मायातारी उच्चा नीवा जिथे भी होवे उसकी महक सुगंध चफेरे फैल जाती है वातावरण महका देंदी है प्रश्ना देंदी है यह जे खुशबू किसी होर नाल मिलदी जुलदी खुशबू और किधरों भी नहीं आ गई वो प्रसिद्ध हुंदा है सारे संसार विच सब सतगुरु अरदास जी सोझी करवाउंदे हन विमल वास जानी है जग सोए ये केवल ते केवल प्रेम भक्त राही हो सकता है। सब तो श्रेष्ठ रस जिसके पीतिया पावन पाक पवित्र करने वाला होर कोई साधन है ही नहीं जिस तरह किसी नूं परम तत्व की प्राप्ति होवे बिलकुल नहीं प्रेम भक्ति तो बिना प्रेम भक्ति तो बगैर किसी का भी जन्म मरण का गेड़ नहीं गया होगा ना पहला ते अगो तो इदा होगा जो बार बार जन्मेगा मरेगा उसनों अवतार कहा गया है गुरबाणी में प्रेम भक्ति के मार्ग से कमजोर मनुख का तुरना प्रेम का मार्ग बराबर है महला नौवा जी नौवे जाने विच नानक जी फरमाते हैं जन नानक एक खेल कठिन है इन्हों गुरमुख है जाना कितना कठिन है कितना बड़ा कठिन है खेल जिस विच जल के पूरा होना पैंदा है फिर जो बचेगा शुद्ध सोना ही बचेगा मौत जा नहीं सकेगी कोई संकट आवे गले लगा लेंदा है भगती करने वाला भगत पर जेकर पंडित होवे पुरोहित होवे सुरमा होवे अवे छत्रपति राजा क्यों ना होवे जिथे हर समय चौकदार पहरेदार सदा अपने मालक की हिफाजत लई हथियारा नाल लैस खड़े रहिंदे हन पर फकत के बराबर कोई भी पूरा नहीं पुरदा। सतगुरु अरदास जी कहते भावे लिखा लवो लवो बेशक लिखा लवो अजमा के देख लवो इन्हें सुजी करवाने ने साहिब ध्यान दिला रहे ने जिन पिया का रस तजे आन रस कोई रस मगन डारे कोई पांडित सूर शत्रपत राजा भगत बराबर और ना कोई नानक बाणी सतगुरां दे उपदेश नूं आदेश नूं जिन्हां ने ब्रह्मांड दे निर्माण